हेलो फ्रेंड्स, मैं शब्बीर हुसैन एंड यू आर वाचिंग फिजियो टॉक। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं बियर हग टेस्ट के बारे में। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि बियर हग टेस्ट से कौन सी मसल्स की वीकनेस पता चलती है, और साथ ही आपको बताएंगे कि बियर हग टेस्ट करना कैसे होता है। तो इस वीडियो को एंड तक देखना बिल्कुल ना भूलें, और अगर आप हमने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके नीचे बेल आइकन को भी दबा लीजिए, ताकि आपको हमारे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहे। साथ ही आपने अगर हमारे चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो नीचे ज्वाइन बटन पर क्लिक करके गोल्डन फिजियो टॉक पक से ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि बहुत सारा प्रीमियम कंटेंट है जो कि हमारे सिर्फ चैनल मेंबर्स के लिए अवेलेबल है। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। दोस्तों, बियर हग टेस्ट हम करते हैं सब स्कैपुलरिस मसल की वीकनेस और डिसफंक्शन को पता करने के लिए। दोस्तों, सब स्कैपुलरिस मसल रोटेटर कफ की एक इंपॉर्टेंट मसल है, जो कि 50% स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है रोटेटर कफ के अंदर। रोटेटर कफ हमारे शोल्डर में मिलता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में आपको बताएंगे कि सब स्कैपुलरिस मसल की वीकनेस किस तरीके से आप पता करेंगे कि सब स्कैपुलरिस मसल का डिसफंक्शन हुआ है या इस मसल में वीकनेस है या नहीं। तो उसके लिए हम करते हैं बियर हग टेस्ट। दोस्तों, वैसे तो सब स्कैपुलरिस मसल की वीकनेस पता करने के लिए बहुत सारे टेस्ट होते हैं, जैसे लिफ्ट ऑफ टेस्ट, बेली प्रेस टेस्ट। बेली प्रेस टेस्ट के ऊपर हमने पहले ही वो वीडियो बना रखी है, अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके हमारी बेली प्रेस वाली वीडियो देख सकते हैं। पर हम बियर हग टेस्ट की बात क्यों करते हैं, क्योंकि जितने भी अदर टेस्ट हैं सब स्कैपुलरिस मसल के, उसमें से सबसे ज़्यादा सेंसिटिव जो टेस्ट होता है उसको हम मानते हैं बियर हग टेस्ट, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा सेंसिटिव होता है। तो इस टेस्ट को करने के लिए आपको पेशेंट के अफेक्टेड आर्म को अपोजिट शोल्डर पर रखने के लिए बोलना होगा। इस तरीके से जब पेशेंट अपने अफेक्टेड आर्म को अपोजिट शोल्डर पर रखेगा तो थेरेपिस्ट क्या करेगा, इस पोजिशन को रेजिस्टेंस दे के पेशेंट का हाथ यहाँ से हटाने की कोशिश करेगा। अगर ये टेस्ट जब पॉजिटिव होगा, अगर पेशेंट इस पोजीशन को मेंटेन नहीं कर पाता है और थेरेपिस्ट इजीली इस हाथ को रिमूव कर देता है अपोजिट शोल्डर से, तो दोस्तों इस टेस्ट को हम पॉजिटिव मानेंगे, और ये मानेंगे कि पेशेंट को सब स्कैपुलरिस मसल की वीकनेस है या सब स्कैपुलरिस मसल का डिसफंक्शन हुआ है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में आपको बताया कि बियर हग टेस्ट करने के लिए आपका पेशेंट पोजिशन क्या होगी, और बियर हग टेस्ट से आप किस तरीके से सब स्कैपुलरिस मसल की वीकनेस का पता लगा सकते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो आपको कैसी लगी नीचे कमेंट सेक्शन बताना बिल्कुल ना भूलें, और अगर आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग फिजियो टॉक।